हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से कई नई अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, हम सबसे पहले बात करेंगे युद्धवीर डागर की फिजिक अपडेट के बारे में। तो ये इस बार कॉम्पीट करने वाले हैं मिस्टर इंडिया में, जो कि आज से 15 दिन बाद है। तो अब आप युद्धवीर भाई की इस फिजिक अपडेट को देख सकते हो, बहुत ही इम्प्रेसिव दिखाई दे रही है। इस अपडेट में आप युद्धवीर भाई के लेट्स को नोटिस कर सकते हो, कितने बड़े दिख रहे हैं। और इससे पता लगता है कि युद्धवीर भाई ने इस बार अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट्स करी है और बैक में थिकनेस क्लियर रूप से विजुअल हो रही है। और युद्धवीर भाई इस बार इंडिया में अपनी बॉडी को एक नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले करने वाले हैं। तो आपने युद्धवीर भाई की यह अपडेट देख ली होगी, आपको क्या लगता है कि ये इस बार मिस्टर इंडिया बन सकते हैं? आप अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि है अली बिलाल की तरफ से। सभी अपडेट्स की तरह इस अपडेट में भी अली बिलाल की बॉडी बहुत ही कंडीशन दिख रही है, खासकर इनका मिड सेक्शन जो सभी को बहुत ही डोमिनेट कर रहा है। और इसके साथ आप इनके चेस्ट को देख सकते हो, चेस्ट हार्ड होने के साथ साथ पॉप आउट हो रही है। तो दोस्तों, इस अपडेट को देखकर तो यह लगता है कि इस बार अली बिलाल मिस्टर ओलंपिया टॉप 5 तो आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो लास्ट में हम बात कर लेते हैं माइकल डबल की अपडेट के बारे में। तो इन्होंने अपनी पोजिंग के बारे में कुछ बताया, जिसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके साथ ही आप इनके करंट फिजिक अपडेट को भी नोटिस कर सकते हो। A few things I will let you, I will teach you. It will change your whole physique. I thought, okay. But I know I'm posing, I pose well. He said, no, let's see. I was watching the mirror from here. A few things when he just tell me to twist my feet just a little bit to the right, change the whole V table of my legs. Yeah. Thanks, man. Yeah. I really love what I do. I'm very passionate what I do here at the Dragon's Lair. You can find me at KNJ Center Stage. We really, really customize things to what fits the actual person. I don't impose my posing style on anybody. It has to suit him and what his physique, how he...